1926 में निर्मित पटना का न्यू मार्केट जो लाल ईंट से बनाया गया था, ये अंग्रेजों के शासन काल में जो है इसको बनाया गया था। और इसका मूल इस मार्केट का उद्देश्य था कि यहाँ पे व्यवसाय हो, खासकर बकरी से संबंधित, मतलब मांस से संबंधित यहाँ पे व्यवसाय के लिए इस मार्केट को डेवलप किया गया था। अभी जो है इस मार्केट को पटना नगर निगम, मतलब इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और इसके जो दुकानदार लोग हैं, जो अभी वर्तमान में जो इस प्रॉपर्टी पे अभी अपना कब्जा जमाए हुए थे, उन लोगों को खाली करा दिया गया है। पूरी तरह से दुकानदार जो सड़कों पे उतर गए हैं। हम सीधे तौर पे आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहाँ जो ये धरना स्थल है, और यहाँ पे अभी धरना चल रहा है। यह कहीं ना कहीं ये 1926 का जो निर्मित जो मार्केट है उसके ये तमाम जो है दुकानदार हैं, साथ में दुकानदार के जो कर्मचारी हैं, मतलब यूँ कह सकते हैं कि लगभग 500 से ऊपर जो है घरों को जो चिराग जलाने का काम जो इस मार्केट से होता था, वो कहीं ना कहीं आज इस मार्केट के टूटने के से बेघर जो बेरोजगार हो गए हैं। और वो घर जो है वो कहीं ना कहीं उनके जो भूख जो है वो अब मिटने को बेबस हो गए हैं। इसके मद्देनज़र ये लोग अभी पटना की सड़कों पे उतरे हैं। ये न्यू मार्केट का इलाका है और यहाँ पे जो सड़क है वहाँ पे उतर कर और ये सभी लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पे हम जानने के लिए आए हैं और हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। सर, अभी जो ये जो चल रहा है धरना प्रदर्शन, ये किस चीज़ की मांग को लेकर? आप लोग देख रहे हैं कि पटना के हेडक्वार्टर में जंक्शन के अगल बगल में ये जो मार्केट है, पूरे पटना की पहचान है, पूरे बिहार की पहचान है और पटना की आन बान शान है। यहाँ की मस्जिद और यहाँ का महावीर मंदिर ये साबित करती है कि किस तरह से गंगा जमुनी तहजीब का बेमिसाल नमूना है ये मार्केट। और इस मार्केट को का वजूद तकरीबन जो दुकानदारों से पता चलता है, ऐतिहासिक मार्केट है और 70-80 साल से, बल्कि एक इधर देखिएगा आप, एक बिल्डिंग है 1926 की बिल्डिंग है। और इस मार्केट को जो आबाद करके रखा मजदूरों ने, दुकानदारों ने, व्यवसायियों ने, तो नीतीश कुमार को क्या हो गया कि सत्ता के अहंकार के नशे में चूर होकर के अचानक झटके से इस मार्केट को उजाड़ने चाहता है। ये बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। आज नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए कि हमारे बिहार में 100-100 बच्चे की मौत हो रही है और तड़प रहे हैं बाल बच्चे, उसकी माँ बहन, और बेइलाज लाइलाज मर रहे हैं। नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए, उसके जो है आपको स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उस पर उसका ध्यान देना चाहिए। और हजारों लाखों जो मजदूर, दुकानदार और व्यवसायी इस मार्केट पर, उसकी रोजी रोटी चलती है, उसके बाल बच्चे पढ़ते हैं, उसकी ज़िंदगी चलती है और पूरा बिहार की पहचान के रूप में स्थापित है। अचानक किस ताकत से नीतीश कुमार ने एक झटके से इसे उजाड़ने का फैसला किया है। हम मांग करते हैं कि जितने दुकानदारों को उजाड़ा गया है उनको बसाया जाए मुआवजा के साथ, और ये तुगलकी फरमान वापस ले। अगर पटना को स्मार्ट सिटी बनाना है, खूबसूरत बनाना है, तो पटना से अलग एक नया सिटी बने, सब अर्बन सिटी बने और इस तरह से सब सुविधा संपन्न हो। लेकिन इस तरह से सैकड़ों 50 साल से ज़्यादा समय से बसे हुए इस दुकानदारों को हम उजड़ने देंगे नहीं। हम संकल्प लेते हैं और हम मांग करते हैं इसी मार्केट का उजाड़ने से एक रंजीत नाम का दुकानदार, जो SK इंटरप्राइज, और एक कलीम नाम का दुकानदार जो मीठापुर का टेलर मास्टर थे, वो अचानक हार्ट अटैक होके मर गया। मैं 20-20 लाख रुपया मुआवजे की मांग सरकार से करता हूँ कि सरकार मुआवजा दे, फिर सरकार का चक्का जाम कर देंगे। बिहार विधानसभा में ये सवाल उठाएगा। ये बानगी है, ये झांकी है, ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। जब तक हमारे उजारे हुए मजदूर किसानों को, मुर्गा मार्केट वाले को, मुर्गी बेचने वाले को, मजदूरों को नहीं बसाया जाएगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। और नीतीश कुमार होश में आना चाहिए। सत्ता के नशे में कोई भी चूर होगा, ये हिटलर शाही चलेगी नहीं, और नीतीश कुमार को होश आना चाहिए और हमारी मांग पूरी करनी चाहिए। हमको मुआवजा मिलना चाहिए, हमने इस ज़मीन को आबाद करके रखी है, हमको इनाम मिलना चाहिए, हमको पारितोषिक मिलना चाहिए, हमारा इन दुकानदारों का फेलिसिटेशन होना चाहिए। और वो उजाड़ रहे हैं साहब झटका से, कौन सा शौक चलाया है उनको? बिहार के पास पैसा नहीं, रोजी नहीं, बालू और जल और भूखमरी और गरीबी यहाँ है, और एक भी रोजगार देने का काम उसने किया नहीं। जो स्वतः रोजगार हासिल कर रहे हैं मजदूर, किसान, दुकानदार, उनको उजाड़ने
का की जो जिद है वो जिद पर लगाम लगाएंगे हम लोग। और शहादत दो दुकानदारों ने दी है, एक कलीम ने और एक रंजीत ने, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, उसकी शहादत की कसम इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएंगे। और जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इंकलाब जिंदाबाद। अभी अभी जिस तरीके से बच्चों की मौत हो रही है और जिस तरीके से बिहार में सियासत चल रहा है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस बच्चों की मौत में सियासत सेकना ये सियासत नहीं है, ये सरकार की आपराधिक लापरवाही है। दिस इज नथिंग बट क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये 1994 में ये बीमारी आई है, 2014 में देखा गया 30-35 बच्चे मर गए, उसके बाद भी नीतीश कुमार कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। नीतीश कुमार को आज राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टरों को बुला के रिसर्च करके बीमारी की खोज करनी चाहिए, तभी दवा देना चाहिए। अभी बीमारी का पता ही नहीं है इनको। इनके डॉक्टर के पास हम गए थे मुजफ्फरपुर का, मैंने दौरा किया, पता चलता है कि कोई एग्जैक्ट बीमारी का डिटेक्शन नहीं हो रहा है। वो प्रोटोकॉल सिंड्रोम के तहत, क्या हुआ, प्रोटोकॉल सिंड्रोम के तहत 4-5 बीमारियों का एक दवा दी जाती है जिसमें इंसेफेलेटाइस है तो बच गया, बाकी लोग मर रहे हैं बेतहाशा। तो ये जो मृत्यु दर है आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये सरकार की लापरवाही, सरकार जिम्मेदार है और सरकार का ये अपराध है। सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, हम लोग खड़ा करेंगे बिहार विधानसभा में, इस सवाल को उठाएंगे। और हमने मांग की थी कि एक एक मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा जाए, वो परंपरागत रूप से 4 लाख रुपया की जो घोषणा उन्होंने की है वो परंपरागत एक्सीडेंटल मौत पर है, ये प्रायोजित मौत है। डॉक्टरों की लापरवाही और सरकार की लापरवाही से बच्चों की मौत हो रही है और हम खामोश तमाशा नहीं दे सकते हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार का हम लोग। निश्चित तौर पे ये एमएलए हैं और इनका कहना है कि जब तक सरकार अपने जो ये मौत हो रही है बच्चों की अगर उस पर नहीं सचेत होती है, नहीं उसके लिए अग्रसर कार्रवाई करती है तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हम चलते हैं अपने मुद्दे की ओर और अभी न्यू मार्केट का ये मुद्दा जो है, अभी यहाँ पे ये धरना स्थल है, यहाँ पे हम कुछ और भी जो यहाँ के दुकानदार हैं उन लोगों से हम बात करना चाहेंगे। जो जिस तरीके से आप लोगों की जो दुकानें तोड़ दी गई और आप लोगों को सड़क पे ला दिया गया, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी की जो सरकार है वो एक तो रोजगार पैदा करने में विफल है, वहीं जो आप लोगों का रोजगार है उसे भी जो एनडीए की ये सरकार है, मतलब नीतीश जी की जो सरकार है जो भाजपा से मिलकर चला रहे हैं, वो आप लोगों का जो रोजगार भी छीन रही है। सरकार की ये गलत नीति है, ये नगर निगम के द्वारा सरकार तक लगता है कि बात को पहुँचाई नहीं गई है। हमारा ये मानना है कि माननीय नीतीश कुमार जी को अगर ये बात पता चले कि हाँ न्यू मार्केट में जो दुकानदार हैं वो अपना ज़मीन देने के लिए तैयार है, लेकिन उनके लिए वो व्यवस्था करें, क्योंकि ये जो मार्केट बन रहा है इस मार्केट में नगर निगम कह रहा है कि हम तमाम दुकानदारों को दुकानें देंगे, लेकिन वो कोई लिखित रूप में नहीं दे रहा है, इसीलिए दुकानदारों को बेचैनी है। सबसे बड़ा है कि ये जो है हरियाली मार्केट को, सब्जी मंडी हरियाली मार्केट जो 500 साल से सब्जी मंडी हरियाली मार्केट था, उसको इन्होंने अचानक बुलडेजर लगा के तोड़ दिया और वहाँ के दुकानदारों को मौका ही नहीं दिया। वो अपने सामान भी सब उनके दब गए, सारे सामान, हजारों मुर्गियाँ मर गईं और वो मुर्गियों को, मरा हुआ मुर्गियों को सब लोग उठा के ले गए, जो ऐसे मतलब ट्रक पर लोड करके ले जा गए, कूड़े खाने में फेंक दिया। ये तो गरीबों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। नीतीश कुमार जी को ये मालूम होना चाहिए कि बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, ना कि पंजाब की जनता ने बनाया। पंजाब का जब यहाँ कुछ हुआ तो उन्होंने कितना बढ़िया इंतजाम किया और उसके लिए उनका नाम भी हुआ हिंदुस्तान में, लेकिन आज न्यू मार्केट के लाखों दुकानदार बेरोजगार होने जा रहे हैं, उस पर नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए न्यू मार्केट के तमाम दुकानदार, चाहे वो बड़े दुकानदार हों, छोटे दुकानदार हों, गुमटी वाले हों या फुटपाथ पर बसने वाले लोग हों, तमाम लोग एकजुट होकर के इस न्यू मार्केट में आंदोलन चलाएंगे और नगर निगम को अब हम घुसने नहीं देंगे। देखिए बहुत हो गया, उनका आश्वासन हमारा मौखिक हम नहीं मानेंगे। मौखिक में वो हरियाली मार्केट को तोड़ दिए, उन्होंने कहा था कि उन लोगों को हम बसाएंगे तब जो है हटाएंगे, उन्होंने तोड़ दिया, अब न्यू मार्केट की बारी है। इसलिए हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको घुसने नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। अब इसके लिए हम लोगों को आगे जो भी करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार होंगे, चाहे गोलियां चलें, लाठियां चलें, जो भी चलेंगे। जब मरना ही है, भूखे मरने से अच्छा है कि उनके गोली से शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक मौखिक रूप से सरकार हमसे वार्ता करे,
सरकार हमसे बात करे और बात करके यहाँ के हर छोटे बड़े दुकानदारों को अपना जो मार्केट बना रहा है उसमें जगह दे, तभी हम लोग का आंदोलन बंद होगा, वरना ये आंदोलन जारी रहे। दो दुकानदारों की भी मौत की बात सामने आ रही है। हाँ, दो दुकानदार, ये जो हरियाली मार्केट टूटा उसके चलते उनका जो है हार्ट अटैक हो गया, वो मर रहे हैं और कई लोग मरेंगे, कई लोग बीमार पड़ गए हैं, कई लोग इस धरने में नहीं आ पाए इसलिए कि उनको ये सुन करके जो है झटका लग गया है और वो बीमार हो गए हैं, इसलिए और भी लोगों का हार्ट अटैक हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी और नगर निगम का होगा। ये नगर निगम और स्मार्ट सिटी वाले ये दोनों मिले हुए हैं, 300 करोड़ रुपए की बात है, ये सब लोग मिल करके घपला करना चाहते हैं। ये सरकार केंद्र सरकार का योजना है ये, और ये सारे पैसे को खाना चाह रहे हैं, बेमतलब का पैसा ये खर्च हो जाएगा, जबकि मार्केट बनाने के लिए पैसा आया है और दुकानदारों को देने की बात है, लेकिन कोई मौखिक बात नहीं चलेगी, अब लिखित बात चलेगी, लिखित देंगे तभी हम लोग मानेंगे। निश्चित तौर पर ये दुकानदार हैं और इनका कहना है कि लिखित जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ भी बातें जो हैं करने को तैयार नहीं होंगे। अभी जो जिस तरीके से न्यू मार्केट को तोड़ दिया गया है, आप लोग रास्ते पे आ गए हैं, क्या लगता है कि बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाली ये सरकार नहीं है? देखिए, जो मुर्गी मार्केट अभी टूटा और तकरीबन वहाँ पे 5000 परिवार ऐसे थे जिनकी रोजी रोटी पर आफत है, आज वो मैं 3 लोगों को जैसे जानता हूँ जिनके घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, उनका क्या होगा? ऐसे लोग जो वहाँ बसे थे अब नहीं है, उनका क्या होगा? क्या आपने इस बात को सोचा? आपने तोड़ने से पहले क्या उनकी सुनिश्चित कहीं व्यवस्था कराई? नहीं कराई। अगर आप नहीं कराएंगे वो कहाँ जाएंगे? आने वाले दिनों में मुझे लगता है जिस तरह क्राइम बिहार के अंदर बढ़ रहा है, आने वाले में इस इलाके में भी क्राइम बढ़ेगा। अगर पेट नहीं रहेगा, अगर उनके उनके पास खाने के लिए नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? घर अगर टूट जाए तो बन सकता है, लेकिन कारोबार ख़त्म हो जाए तो वो कैसे बनाएंगे? क्या उसके लिए इन्होंने कोई पॉलिसी लाई? अगर वो लाते तो हमारे लिए भी अच्छा था, उनके लिए भी अच्छा था। पानी सर के ऊपर बढ़ा, हम तब रोड पर आए। व्यापारी कभी रोड पर नहीं आता, व्यापारी तभी आता है जब कहीं ना कहीं उसके पेट पे लात पड़ता है। और हम सुशासन बाबू से, नीतीश बाबू से ये डिमांड करते हैं, हमारे पेट पे लात मत मारिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरह की चीज़ों को वो रोकें, उसकी मॉनिटरिंग वो खुद कराएं, नहीं तो अपने जो सचिव हैं उनसे कराएं और ये हालात को देखें कि जो हालात चल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। और दो दुकानदारों की मौत की भी मामला सामने आ रहा है। वो मेरे एक चाचा जी जो कि अंदर में ग्रिल की दुकान थी, वो एक्सपायर करके वो 2 दिन से इस सोच में थे कि अब क्या होगा। ना उनके पास कोई बेटा था कि जो उनके सहारे के लिए होता, ना उनके पास कोई बेटा था। आज वो दुनिया से रुखसत हो गए। आज उनका पूरा दुकान, पूरा कारोबार ठप हो गया। उनका परिवार जो बचा हुआ वो कैसे चलेगा? इसके लिए कहीं कोई पॉलिसी नहीं है। हम गवर्नमेंट से और लोगों और जो गवर्नमेंट बैठे बड़े बड़े अधिकारियों से, कमिश्नर से, उनके ऊपर लोगों से ये डिमांड करते हैं कि जो मरे हैं उनको 20-20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और जो उजड़ चुके हैं उनको फौरन विस्थापित किया जाए और मुआवजे की भी घोषणा की जाए। मौत की बात आप कह रहे हैं, थोड़ा हम हटके न्यू मार्केट से थोड़ा हटके भी बात करेंगे। अभी जिस तरीके से बच्चों पे बिहार में जिस तरीके से आपदा आया है और 125 बच्चों की जिस तरीके से मौत हो गई है, क्या लगता है कि सरकार हर जगह उनका जो सरकारी जो तंत्र है वो हर जगह फेल दिखाई दे रहा है? उसी का नतीजा जो है यहाँ भी आपके पटना न्यू मार्केट में भी देखने को मिला, जो 2 साथी आपके मौत के गाल में समा गए। देखिए, सरकारी स्तर पे जो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए वो कहीं नहीं है। आप चाहे पटना का PMCH ले लीजिए, NMCH ले लीजिए और भी दिगर जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको आप लीजिए, वहाँ का रख रखाव, वहाँ की दवाई का जो प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ डॉक्टर नदारद रहते हैं। यह कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ये उनकी फेलियंस है, उनको तो फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। राजेश पायलट ने एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ, फौरन इस्तीफा दे दिया, उन्होंने क्यों नहीं अभी तक इस्तीफा दिया? तो इसलिए मेरी डिमांड है कि सबसे पहले तो जो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करानी चाहिए वहाँ पे उस हॉस्पिटल में कराएं, और सबसे पहले जो मर रहे हैं उन बच्चों को बचाने का काम करें, फिर जो दिगर जो काम है मेरा मुतालबा है हुकूमत से वो ये है कि नीतीश बाबू खुद आगे आएं, क्योंकि आपको आ ही के इस मोर्चे को संभालना होगा। तो निश्चित तौर पर ये न्यू मार्केट के दुकानदार हैं और इनका कहना है कि 2 दुकानदारों की जो मौत हुई है वो बेकार नहीं जाएगी और ये लड़ाई जो है आगे भी जारी रहेगा। ये 1926 का निर्मित मार्केट है और यहाँ पे आए दिन कारोबार के लिए लगभग
सैकड़ों घर जो है इस कारोबार यहाँ के कारोबार से उनके घरों में यूँ कह सकते हैं कि जो चूल्हे जलते थे वो इसी मार्केट से जलते थे, जो अब अभी जो है बुझने की कगार पे आ गई है और ये लोग सीधे तौर पे रास्ते पे आ गए हैं और ये लोग अभी अनशन पे बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग बच्चों की मौत पे भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम जो है नाकामयाब दिख रही है और सरकार विफल दिख रही है। सीधे तौर पे इन लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि मंत्री जो हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, उनकी इस्तीफे की बात भी कह दी है। सहयोगी आकाश के साथ पटना से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए कुंदन।